हेलो कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गोड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम सालाना यानी 2023 के लिए आपकी सालाना यानी ईयरली रीडिंग करेंगे, जो पूरे साल के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कीजिए। ये जो 21 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच जन्मे हैं उनके लिए खास तौर पर है, और नाम से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और ये देखते हैं कि ये आने वाला साल 2023 आपके लिए क्या लेकर आता है, कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं 2023 के बारे में यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं आपके लिए, ये साल कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स जी करें, भगवान करें, आपके लिए ये काफ़ी समृद्धि खुशहाली लेकर आए। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स जी कैसा बताते हैं। और यूनिवर्स जी, ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये गाइडेंस के लिए आया है। दामों, ये जो जनवरी के लिए आया है तो शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप चिंता में रहने वाले हैं, अपना परेशानी दिक्कतों में रहने वाले हैं, कोई कष्ट से कोई दुख तकलीफ आपको सताने वाली है। ना जाने अपने अपनी बाधाएं आप खुद ही क्रिएट करने वाले हैं। आपको लगने वाला है कि मैं काफ़ी परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, काफ़ी दुखों से घिरा हुआ हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी उलझन में आप रहने वाले हैं। तो अगर आप इनसे दूर रहना चाहते हैं तो आपको खुद ही अभी से इसका सॉल्यूशन, इसका रास्ता निकालने की ज़रूरत है। तो आप समय रहते इसका रास्ता निकालिए और आप अपने आने वाले साल को अच्छा बनाइए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अपने आसपास की एनर्जी, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों के पास बैठने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों से बातें करने की ज़रूरत है। कुछ आपको महसूस होगा कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है, कोई राज है, कोई मिस्ट्री है जो मेरे साथ झोल हो रहा है, कुछ इस तरह की उसमें धोखे में आप रह सकते हैं, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। ये फरवरी के लिए आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप कोई एक्शन इसमें लेने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर आप एक्शन लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करना, अगर जल्दबाजी में आप काम करते हैं तो काम तो बिगड़ेगा ही, काम के साथ साथ आप शारीरिक और मानसिक परेशानी में भी फंस सकते हैं, आप अपना नुकसान कर सकते हैं, दूसरों का भी नुकसान करेंगे और शारीरिक आप फिजिकली चोट भी खा सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा सामने वाला जल्दबाजी करने की कहेगा तो आपको को उसे भी रोकने की ज़रूरत होगी। तो जल्दबाजी में जो फरवरी का महीना है उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहिए और अपने फरवरी के महीने को अच्छा बनाइए। आप थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी करते नजर आएंगे तो उसे आपको रोकने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, ये मार्च मार्च में आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, हार पर जीत का ही कार्ड है कि हारने वाले जीतने वालों की कभी हार नहीं होती, जो जो जीतना जानते हैं वो कभी हार नहीं सकते। तो अगर आप अपने मन पर काबू पाते हैं, अपने अपनी हिम्मत से, अपने स्ट्रेंथ से एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार अगर इसको अपनाते हैं तो आप मार्च में आप काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो आप जो परेशानियों से जिन दुखों
दुख तकलीफों से जो आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ परेशानी दुख तकलीफ है, तो आप उससे उबर पाएंगे और यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेंगी। तो मार्च में कुछ आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। ये अप्रैल के लिए है, तो लग रहा है कि दोबारा से आप कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में फिर से आ रहे हैं, तो आपको फिर से महसूस हो सकता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं, काफ़ी परेशानी में रहने वाले हैं। लेकिन जितनी बड़ी परेशानी आपको दिखाई लगेगी, उतना शायद ये कंफ्यूजन परेशानी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप अपने आसपास ही उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आप अपने आसपास झांकिए, अपने इर्द गिर्द झांकिए, आपको उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर मिलने वाला है। अपने कंफ्यूजन से, परेशानी, दिक्कत से बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो अप्रैल में अगर आप कोशिश करेंगे तो अप्रैल के महीने को आप अपना ठीक बना सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको ज़रूर होने वाली है। नींद आप लग रहा है कि आप थोड़ा सा सोने में भी दिक्कत महसूस करने वाले हैं, सोने जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये मई के लिए आया है। तो कैंसर लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तरफ ध्यान देने वाले हैं, आप किसी की नहीं सुनने वाले। जो चाहे कोई आपके फायदे के लिए बोल रहा है या नुकसान के लिए बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप फायदे पर ध्यान देंगे, उसके साथ होने वाले नुकसान पर ध्यान नहीं देंगे, तो जिससे आप परेशानी में आ सकते हैं। अगर आप फायदा पाना चाह रहे हैं तो साथ में उसके होने वाले नुकसान को भी देखने की आपको ज़रूरत होगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मई के महीने में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिल सकता है, कुछ ना कुछ नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी किसी काम को लेकर या किसी और चीज़ को जरूर हो सकती है। मई का महीना आपका कुल मिलाकर अच्छा जा सकता है, थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जून में ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायक महीना हो सकता है, थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है। हो सकता है कि आपके अपनों से आपको कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ हो सकती है। हो सकता है कि आपके अपने कहीं दूर जा सकते हैं, दूर जाकर रह सकते हैं, या कुछ और ऐसा हो सकता है जिसका आपने सोचा भी ना हो। तो आपको इसमें काफ़ी सावधानी से सतर्क रहने की इसमें ज़रूरत है। लेकिन जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए हो जाता है, बिलीव मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद अंधेरे के बाद ही एक उजाला होता है, रात के बाद ही दिन होता है, एक सवेरा होता है। तो आप हिम्मत से काम लीजिएगा और अपनी हिम्मत लूज मत कीजिएगा, उसके बाद एक नया सवेरा ज़रूर आने वाला है। जुलाई, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ममता से भरे होंगे, अपने ऊपर ही काम करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली पर ध्यान रखेंगे, आप किसी दूसरे का इतना ध्यान नहीं रखेंगे। तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर, अपने काम पर, अपने ऊपर, अपने परिवार पर फोकस करने की ज़रूरत है। चुपचाप रहने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो जून का महीना है आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी ममता भरा, प्यार भरा, मोहब्बत भरा हो सकता है, प्यार खासतौर पर फैमिली के लिए। अगस्त, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये इसमें आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, एक नई दोस्ती, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए किसी काम को लेकर, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। आपको आपकी नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें हो सकती है और धीरे धीरे करके आप एक अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं, आप आगे जाकर इसी काम को अच्छा बना लेंगे। लेकिन अभी आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाने की इसमें ज़रूरत है, इसमें आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती
नजर आएगी, तो अगस्त का महीने में आपको कोई काम जरूर मिलेगा, नई शुरुआत नई बिगनिंग जरूर होगी। ये सितंबर के लिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस पर थोड़ा सा आपको वाणी पर कंट्रोल रखकर, संयम रखकर, एक दोस्त की तरह, बच्चे की तरह, बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आप कोई नई बिगनिंग नई शुरुआत कर लेते हैं तो आपका काम अच्छा चलेगा, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे भले ही। और जो जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, जो कष्ट दे रही हैं, उनको आप काट दीजिए, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और एक बच्चे की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ अगर मिलकर आप काम करते हैं तो अपने काम में काफ़ी आप प्रोग्रेस करेंगे। ये सितंबर के महीने में आपकी कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल रखने की इसमें ज़रूरत है। अक्टूबर द मैजिशियन, अक्टूबर में आपको आपके पास सभी सोर्सेज होंगे, सभी जिस चीज़ में भी आप डालेंगे आप प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन ऑनेस्टी की आपको ज़रूरत होगी। अगर ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप चलेंगे, क्योंकि ये द मैजिशियन एक जादूगर का भी कार्ड है, आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे, आप अपने आप को दुख पहुंचाएंगे, भले ही कुछ समय के लिए आप खुश रहेंगे। तो अगर ईमानदारी के साथ आप चलते हैं, यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, तो ईमानदारी के आप के साथ आप चलिए। अक्टूबर में आपके साथ यूनिवर्स जी रहेंगे, आपका साथ मिलेगा, तो आपका लक आपको आपका साथ देगा, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। नवंबर व्हील ऑफ फॉर्चून, तो अक्टूबर में ही काफ़ी आपका, अगर आप अक्टूबर से ही अपना अच्छा समय शुरू कर लेते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून नवंबर में, ये जो लक व्हील ऑफ फॉर्चून जो समय का पहिया है वो भी आपके साथ है, आपकी तकदीर बदल सकती है। जो आपका पिछला समय पास्ट में जो अच्छा नहीं चल रहा था, वो समय आपका बदल रहा है, काफ़ी अच्छा समय आपका आने वाला है, लक्की समय आने वाला है। जो इस समय में हो रहा है, इस महीने में हो रहा है, सब कुछ कर डालिए, लेकिन ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कोई गेम मत खेलिए, कोई जुआ मत खेलिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत कीजिए, कोई बुरे काम मत कीजिए। अगर ईमानदारी के साथ आप चलते हैं तो आप जो भी काम में हाथ डालेंगे, इन दिनों भगवान आपका साथ देंगे, यूनिवर्स जी आपका साथ देंगे, जल्दी जल्दी आप अपने काम कर लीजिए। जिस काम में आप हाथ डालेंगे नवंबर महीने में, तो यूनिवर्स जी आपका साथ दे लेंगे, मेहनत और एफर्ट लगाएंगे तो आपको उसमें तरक्की जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो ये दिसंबर में आप अगर परिवार और फैमिली के साथ मिलकर करेंगे, तो दिसंबर का महीना में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, प्रॉपर्टी मिलने वाली है, संपत्ति मिलने वाली, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। अगर बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट लेकर आप चलते हैं, उनकी सहमति से काम करते हैं, या रिश्तेदारी का साथ लेते हैं, या जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं उनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, तो दिसंबर में काफ़ी ये आपके लिए लक्की साबित हो सकता है और आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। थोड़ा सा आप कुत्तों को खाना खिलाते चलिए, थोड़ा सा दान करते चलिए, तो दिसंबर भी आपका काफ़ी लक्की हो सकता है, काफ़ी फलदायक हो सकता है, हर तरह से आप इसमें स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। जो प्रॉपर्टी के लिए, हो सकता है कि पास्ट में आपका कुछ झगड़ा चल रहा हो या सपोर्ट ना मिल रहा हो बड़े बुजुर्गों का, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलता नज़र आएगा, लेकिन आपको उनका सेवा करनी पड़ेगी, उन बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेने की इसमें ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस क्या कहती है, तो गाइडेंस बता रही है कि आप बड़ों का आशीर्वाद लेते चलिए, और अगर आप ग्रुप में काम करते हैं या सहमति से काम करते हैं तो सहमति से काम कीजिए, बड़े बुजुर्गों का साथ में काम कीजिए, या जहां आप पहले किसी को जानते हैं अगर उसके साथ आप काम करते हैं तो
आपका 2023 काफी लकी साबित हो सकता है। 2000 लास्ट के जो महीने हैं वो आपके काफी अच्छे जाने वाले हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऑल ओवर लास्ट में का 2023 आपके लिए काफी अच्छा जा सकता है। तो ये आपका ईयरली प्रिडिक्शन था। भगवान करे कि शुरुआत में भी आपके दिन काफ़ी अच्छे जाएं। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो शुरुआत दिनों को भी आप अपने हिसाब से उनको अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।